बालिकाग्रह का संचालक गिरफ्तार हो चुका है। अनिल नाम है इसका। आपको बता दें, अयोध्या नगर के एक अस्पताल से अनिल मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर अनिल मैथ्यू को जेल भेज दिया गया। मामले में धर्मांतरण को लेकर धाराएं इस पर लगाई गई हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जोर डालने का भी इस पर आरोप है। विदेश से फंडिंग की भी जांच हो रही है। तो आंचल बालिका गृह का पूरा मामला दो तीन दिन से गरमाया हुआ है, क्योंकि 26 लड़कियां गायब थी और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं यह मामला जोर पकड़ने लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बालिकाएं मिल गई, वो अपने घर पर थी। पर लंबे वक्त से ये बालगृह संचालित हो रहा था और इसमें कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पढ़ाई कराई जाती थी और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मौके से बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जेल नुमा ये बालगृह बना गया था, ना किसी के जाने की वहां पर व्यवस्था हो, ना किसी के आने की, ना कोई देख पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल हो रही है। फिलहाल के लिए जो संचालक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उससे पूछताछ जारी है। कई धाराओं में उस पर मामला दर्ज है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जेल नुमा बालगृह का संचालक गिरफ्तार हो चुका है, शुरुआती आखिर पूछताछ और जांच में अभी तक क्या सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो अवैध तरीके से बाल गृह संचालित किया जा रहा था, जिसमें से बच्चियां गायब होने की जानकारी जब मिली थी, उसके बाद वहां पर पुलिस के साथ ही जो बाल आयोग है उसकी टीम वहां पहुंची थी और पता चला था कि जो वहां बच्चियां रह रही थी वह गायब थी। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इस बाल गृह को फंडिंग जो है वो जर्मनी के से की जाती थी, तो जर्मनी में कौन सी संस्था जो है वो इस पर इसको फंडिंग करती थी, इस बात की जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से धर्मांतरण की भी आशंका इसमें जाहिर की गई, बताया ये भी गया है कि वहां पर ईसाई धर्म को लेकर प्रार्थनाएं कराई जाती थी। ये जानकारी जो है वो बाल आयोग की टीम को और पुलिस की टीम को मिली थी और यही कारण है कि इस मामले में अब जो है वो धर्मांतरण की धारा को भी ऐड किया गया। नहीं, कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें ये बात सामने आई है कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये बाल गृह चलाया जा रहा था और जिन इलाकों से जो बच्चियों को यहां पर रखा गया था उनको ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई जाती थी, ईसाई धर्म के बारे में बताया जा रहा था। समय रहते अगर प्रशासन नहीं चेतता तो हो सकता था कि इन बच्चियों का धर्मांतरण भी इस अनिल मैथ्यू नाम का जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसके द्वारा करा दिया जाता। ये जो है वो अस्पताल में छुप गया था, बीमारी का बहाना लेकर एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था और पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी थी तो पुलिस ने उसको देर शाम गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस रिमांड अभी मांगी गई है और अवश्य पुलिस रिमांड इस आरोपी की मिल जाएगी तो पुलिस जो है वो सिलसिलेवार इससे पूछताछ करेगी और कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है फंडिंग को लेकर, बाहर से फंडिंग होने के भी यहां पर संकेत हैं, ऐसी भी जांच में खबरें आई हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि कहां कहां से तार जुड़े हैं, कहां कहां से फंडिंग हो रही थी और क्या इसी तरह के बालगृह और भी कहीं कहीं संचालित हो रहे हैं, कौन कौन लिफ्ट है, सभी पहलुओं में सब पर जांच होना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बैतूल में एक महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने पर भगदड़ मच गई। धर्म सभा में शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। यहां लोगों की भीड़ है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और ये नाराज दिख रहे हैं। तस्वीरें बैतूल के सदन इलाके के मिशनरी स्कूल की हैं। यहां धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि 400 से ज्यादा इस धर्म सभा में हिंदू शामिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और इनकी मिशनरी लोगों से जमकर बहस हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगाए। सदर से हमको सूचना मिली, वार्ड से हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा, सदर में एक मिशन स्कूल संचालित है पिछले कई वर्षों से। इस मिशन स्कूल में आज रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 450 से 500 की संख्या में भोले वाले ग्रामीणों को बुलाया गया था, जिसमें हमने देखा कि हमारे जनजाति समाज की बहुत सी माताएँ बहनें, बच्चे और ज़्यादातर विडो, मतलब जो विधवा महिलाएँ माताएँ बहनें हैं वो थी। हमने वहाँ पर जाकर जब देखा तो प्रार्थना सभा करके, 3 मंजिला स्कूल है, इसमें प्रार्थना सभा करके 3 मंजिलों पे बहुत संख्या में लोग थे। जब हम अंदर गए हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ से लोग भागने लगे। हमने उनसे बोला भी कि आप भागो मत, हम लोग यहाँ संस्था प्रमुख जो है आपके, उनसे हम बात करने आए हैं, हमको कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, धर्म सभा में शामिल लोगों के अलावा मिशनरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की।
यही नहीं वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ये कोतवाली थाना क्षेत्र के जो सदर है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक कम्युनिटी द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो दोनों पक्षों का भी थाना लेके आए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा भी जो होगा आगे जांच करके फिर आप लोग अवगत। बैतूल में धर्मांतरण की ये हाल ही के दिनों में तीसरी घटना बताई जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल को लेकर ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि धर्मसभा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे पुलिस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ऋषि नायडू, न्यूज 18, बैतूल। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।